दोस्तों आज की इस वीडियो में बात करेंगे कि सीएमए फोन वन में आपको यदि फिंगरप्रिंट सेट करना है तो आप कैसे कर सकते हैं इस चीज के बारे में। तो इसके लिए आपको अपने फोन के सेटिंग्स में चले जाना है और यहाँ पे जाने के बाद नीचे आपको जाना है सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी में। इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा नीचे डिवाइस अनलॉक, इस पर आपको क्लिक कर देना है और यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा फिंगरप्रिंट, तो आपको फिंगरप्रिंट पर क्लिक कर देना है। और यहाँ पे कह रहा है फिंगरप्रिंट यदि आप लगाना चाहते हैं तो आपको पहले स्क्रीन लॉक लगाना पड़ेगा। यदि आपने लगा रखा है तो ये स्क्रीन लॉक डाल के आप सीधा नेक्स्ट कर देंगे, अगर नहीं लगा रखा है तो यहाँ पे स्क्रीन लॉक आपको लगाना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे स्क्रीन लॉक सेलेक्ट कर लेता हूँ, मैं यहाँ पे पैटर्न सेलेक्ट करूँगा, तो मैं पैटर्न डाल लूँगा, उसके बाद नेक्स्ट करेंगे हम, फिर पैटर्न डाल लेंगे, फिर यहाँ पर कन्फर्म कर देंगे। यहाँ पर हमारा पैटर्न लग चुका है। उसके बाद ये कह रहा है कि आपको लॉक स्क्रीन पर नोटिफिकेशन चाहिए या नहीं चाहिए, तो आप यहाँ पर रख सकते हैं। वैसे मैं यहाँ पर बीच वाला ऑप्शन रखता हूँ शो करके, कि उसमें क्या होता है कि नोटिफिकेशन तो हमारे पास आएंगे ओटीपी वगैरह, लेकिन किसी को दिखाई नहीं देंगी, वो सब फ़ोन के रिसेट होने के बाद, मतलब कि फ़ोन के अनलॉक होने के बाद ही शो होंगी। तो ये सेटिंग हमारी यहाँ पर होती है। उसके बाद यहाँ पर हम डन कर देते हैं। डन करने के बाद ये कह रहा है कि सेटअप फिंगरप्रिंट, अब यहाँ फिंगरप्रिंट आपको सेटअप करना पड़ेगा, अभी नहीं रखना पड़ेगा, अभी आपको सेटअप पर क्लिक करना है। सेटअप पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर लिखा होगा होल्ड टू स्टार्ट, तो बस यहाँ पर आपको होल्ड करके रखना है इस तरीके से, फिर हटाना, फिर होल्ड करना, फिर हटाना, फिर होल्ड करना है, इस तरीके से आपको रखते जाना है और आपका फिंगरप्रिंट यहाँ पर सेटअप होते चले जाएगा। थोड़ा इस तरीके से अंगूठा घुमा घुमा के और यहाँ पे आपको रखना है। तो यहाँ पे आप देखिए मैं पूरा रख लेता हूँ, थोड़ा टाइम लगता है इसमें, लेकिन आपको रखना है, हटाना है, रखना हटाना है, इस तरीके से करते रहना है। अब यहाँ पे आप देखिए फिंगरप्रिंट एडिट हो चुकी है, उसके बाद डन पे हम क्लिक कर देंगे और यहाँ पे हमारी फिंगरप्रिंट एक लग चुकी है। यदि और भी आपको फिंगरप्रिंट लगानी है तो आप फिंगरप्रिंट को मतलब और भी लगा सकते हैं। और यहाँ पे लिखा हुआ है शो फिंगरप्रिंट आइकन, तो यहाँ पे लिखा हुआ है यदि आप चाहे तो, अब जैसे आप फ़ोन आपको अपना रख देते हैं तो फ़ोन रखने के बाद ये जो फिंगरप्रिंट का आइकन है ये यहाँ से गायब हो जाता है थोड़ी देर में। यदि आप इस तरीके से फ़ोन को हिलाओगे, मतलब ऐसे पकड़ोगे, तो ये आइकन यहाँ पे शो होने लग जाता है। यदि आप इस सेटिंग्स को ऑन रखना चाहते हैं तो यहाँ पे आप इसको ऑन रख सकते हैं, अदरवाइज आपको ऑफ़ कर देना है, और फ़ोन को हिलाने के बाद आपको फिंगरप्रिंट का आइकन शो नहीं होगा। तो ये सेटिंग है यहाँ पे कुछ, इसको आप इनेबल रख सकते हैं।